गाइस आप देख सकते हैं ये है 250 का न्यू एडिशन है। न्यू कलर आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपको न्यू कलर आपको देखने को मिलता है। ये जो पहले आता था उससे कुछ अलग बजाज ने उतारा है डोमिनर 250 में, जो कि ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये आपको सिल्वर वाइट में आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा कम्बिनेशन कलर जो आप देख सकते हैं। चलिए कौन कौन सा न्यू एडिशन दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वीडियो में। तो गाइस ये बाइक तो बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। पहले जो बाइक आता था वो 250 में डोमिनार में कुछ सिंगल कलर का आता था, पर ये जो अभी उतारा है आप देख सकते हैं ये आपको डबल कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हल्का ब्लैक एंड वाइट सिल्वर का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस पर आपको वाइट का कम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसमें आपको ब्लैक का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। आप पीछे से आप देख सकते हैं वही सेम लुक है जो पहले आता था डोमिनर 250 में, बाकी सब सेम है। आपको पीछे का बैक लाइट आप देख सकते हैं वो भी सेम आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं वो भी सेम है आपको। जहाँ तक इसकी साइलेंसर की बात करें तो वो भी पहले जो आता था वही सेम आपको लुक देखने को मिलता है, पर ये जो आप देख सकते हैं इसका एलॉय भी ये आपको सिल्वर वाइट में देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खूबसूरत देखने में और काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, इसे दो बंदा आराम से चला सकता है और सीट तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है इस बाइक का, क्योंकि सीट आप देख सकते हैं स्मूथ सीट है। पीछे में जो बैठेगा वो भी काफ़ी अच्छा इसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं और बाकी सब सेम आपको देखने को मिलता है। जहाँ तक इसकी मीटर की बात करें तो इसमें आपको मीटर जो आपको डिजिटल में मिलता है ये आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर आपको जो पहले आता था वही सेम आपको लुक देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले भी आता तो वही सेम आपको देखने को मिलता है, इसमें ABS देखने को मिलता है इसमें। तो आगे के हेडलाइट आप देख सकते हैं, आगे के हेडलाइट भी सेम है आप देख सकते हैं जो पहले आता था वही सेम आपको देखने को मिलता है। और इसमें जहाँ तक इसकी फीचर्स के बारे में फाइनली बात करते हैं, तो जहाँ तक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। इसमें मैक्सिमम जो पावर है पावर आपको 27.5 BHP का पावर देखने को मिलता है। और जहाँ तक टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 23 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा पावर है इसका। पावर जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में और इस पावर की वजह से ही ये बाइक बिकता है इतना आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो टायर है इसमें वो जो पहले आता था वही सेम टायर है आपको। फ्रंट में आपको 100/80 का टायर देखने को मिलता है और पीछे में बैक में आप देख सकते हैं बैक में आपको 130/70 का टायर देखने को मिलता है। तो ठीक है, ठीक ठाक है 250 में, तो 400 से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसे, तो 250 में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका और एक कलर आने वाला है वो रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, अब वो भी बहुत जल्द मैं उसका भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यार ये बाइक कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 250 भी बहुत ही मस्त बाइक है और ये आपको 30+ का माइलेज देने वाला है ये बाइक, जो काफ़ी अच्छा है इस रेंज में आपको। तो मैं इसका रेंज बता देता हूँ, इसका ऑन रोड प्राइस जो जमशेदपुर का पड़ने वाला है वो लगभग आपको 1,85,000 या 1,90,000 के आसपास पड़ने वाला है। तो अगर आपको जानना है तो आप बजाज शोरूम में आके, यहाँ मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा बजाज शोरूम का, वहाँ आके आप पता कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है। और काफ़ी अच्छा लुक आप देख सकते हैं ये 250 मॉडल में है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बाइक का कलर आपको कैसा लग रहा है, जो न्यू एडिशन है न्यू कलर आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन में। तो गाइस यही छोटा सा वीडियो है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।